हेलो गाइस, स्वागत है आपका सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम प्रिंटएफ और स्कैनएफ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कि उनका सिंटेक्स क्या होता है और कैसे उसे प्रोग्राम में यूज करते हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे कि प्रिंटएफ और स्कैनएफ में कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं जो कि हमें प्लेसमेंट से रिलेटेड या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली अगर प्रिंटएफ की बात करूं मैं, तो प्रिंटएफ का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, डबल कोट के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो डबल कोट के अंदर हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर और कॉमा करके वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इस पे हमने बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली है, पर इसमें एक एक्स्ट्रा थिंग्स है, दैट इज वो ये दिख रही है वो क्या है, इंट लिखा हुआ है प्रिंट एफ के जस्ट पहले। तो ये क्या है? तो किसी भी फंक्शन के आगे अगर इंट लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा तो वो अपनी जगह पे एक इंटीजर वैल्यू को छोड़ के जाएगा। जब भी वो फंक्शन चलेगा तो अपनी जगह पे इंटीजर वैल्यू छोड़ देगा। और फिलहाल यहां पर इंट जो है मैंने प्रिंट एफ फंक्शन के आगे लिख रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी प्रिंट एफ चलता है तो वो अपनी जगह पर वो अपना काम करता है, उसका जो भी टास्क है वो टास्क कंप्लीट करता है, और उसके बाद वो अपनी जगह पर क्या करता है, एक इंटीजर वैल्यू को छोड़ के जाता है। ठीक है, तो अब वो इंटीजर वैल्यू क्या होती है? तो बेसिकली ये तो ठीक है, हमने देख लिया कि आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है ये इंट। तो जब भी ये इंट चलेगा तो ये फंक्शन जो है अपने अंदर एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके जाएगा अपनी जगह पर, और वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी? तो वो इंटीजर वैल्यू होगी कि उस प्रिंट एफ ने टोटल नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर जो है वो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराए। याद रखना, नंबर ऑफ कैरेक्टर, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट एफ आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है उनका काउंट जो है वो अपनी जगह पर छोड़कर जाता है, वो रिटर्न करके जाता है वो अपनी प्लेस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज एक क्वेश्चन है, प्रिंट एफ से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन डाले, मान चलो ये प्रिंट एफ का एक क्वेश्चन है जहां पर मैंने क्या किया, एक्स के अंदर वैल्यू वाई वन दी है, वाई के अंदर एक टू दी है, और प्रिंट एफ में परसेंट डी कॉमा एक्स कॉमा वाई किया। देखो यहां पर देखिए, आप एक ही फॉर्मेट स्पेसिफाई मैंने यूज किया है यहां पर, तो अब एक फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज किया है तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या इसका आउटपुट में, क्या इसके कोड में एरर आएगी? तो जी नहीं, एरर नहीं आती। अगर आप नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर कम यूज करते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से ये आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होगा वो सबसे पहले, पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले वेरिएबल के लिए, फिर दूसरा फिर दूसरे वेरिएबल के लिए, फिर तीसरा तीसरे वेरिएबल के लिए। तो यहां पर देखिए, पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर तो वो पहले वेरिएबल के लिए आ जाएगा, दैट इज एक्स, और वाई के लिए कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक्स की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो आउटपुट क्या आएगा, यहां पर आउटपुट आ जाएगा वन। कैसे, देखिए मैं यहां पर आपको थोड़ा सा इसको कोड करके दिखाता हूं। तो मैंने यहां पर जी एडिट की हेल्प से एक मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बना रखा है, प्रैक्टिस डॉट सी के नाम से फाइल बना रखी है, जिसके अंदर मेरे पास बेसिक जो मॉडल है वो क्रिएट है हमारे सी लैंग्वेज का। अब इसके अंदर मैं लिखता हूं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल ले लिया, इंट एक्स इक्वल टू वन ले, एक्स इक्वल टू मैंने 10 कर दिया, कॉमा वाई इक्वल टू मैंने 20 कर दिया। सपोज ये मैंने दो वैल्यू दे दी, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट किया प्रिंट, और फिर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने चलाया फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी स्पेस परसेंट डी कॉमा एक्स कॉमा वाई। तो यहां पर मैंने दोनों की वैल्यू प्रिंट कराई है, सबसे पहले हम दोनों की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। एक काम करता हूं, मैं यहां पर परसेंट डी को स्लैश एन लगा देता हूं ताकि न्यू लाइन भी आ जाए हो जाए। और मैंने इसको क्या किया, जैसे ही मैंने इसको रन किया, रन करने के लिए हम क्या करते हैं, जीसीसी हाइफन ओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट फाइल का नाम जो मैंने यहां पर आउट रखी है, और देन उस फाइल का नाम जिसे मुझे कंपाइल करना है। जैसे इंटर किया, कोड कंपाइल हो जाएगा हमारा, अगर कोई एरर नहीं है तो। यहाँ पर एक एरर है, ये वार्निंग, एक्चुअली एरर नहीं है, ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पर मिस्टेक से प्रिंट यूज कर दिया गलती से, जबकि प्रिंट एफ होता है। ठीक है, तो मैं वापस से कोड चला जाता हूँ, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, जब आप टाइप करोगे तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ये प्रिंट फंक्शन नहीं होता, ये प्रिंट एफ होता है। ठीक है, कंट्रोल एस कंट्रोल क्यू बाहर आया मैं, ठीक है, क्लियर चला देता हूँ सबसे पहले ताकि स्क्रीन साफ हो जाए मेरी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, कोड को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मैं जैसे इसको रन करूंगा, रन कराने के लिए क्या करना है, डॉट स्लैश ऑब्जेक्ट फाइल का नाम, दैट इज आउट। जैसे इंटर किया तो देखो दोनों की वैल्यू 10 और 20 डिस्प्ले हो गई, पर
क्या होगा जब मैं क्या करूंगा, जब मैं एक फॉर्मेट स्पेसिफायर रिमूव कर दूं, जैसे कि हमने अभी कोड में देखा था अपने एग्जांपल में, सपोज मैंने ये वाला रिमूव कर दिया, तब क्या होगा? अब क्या होगा, सिर्फ एक्स की वैल्यू ही डिस्प्ले होगी, जो क्या थी हमारी, जो कि 10 थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वार्निंग देगा ये कि आपने जो है नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर कम यूज करे हैं। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल हम डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वार्निंग दे रहा है कि आप जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कम है कंपेयर टू यहाँ पे वेरिएबल्स के। ठीक है, या फिर ये कहेगा कि यहाँ पे वेरिएबल्स ज्यादा है कंपेयर टू यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर के। तो इसने वार्निंग दी है, पर अगर सपोज इस वार्निंग को इग्नोर करके मैं रन कराता हूँ तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पहली वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होगी, दैट इज 10, जो एक्स की वैल्यू थी, वाई की नहीं होगी। तो एक प्रिंट एफ का हमारा ये यूज हो गया, प्रिंट एफ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये आगे मेरा सेकंड क्वेश्चन, मैंने क्या किया, मैंने एक प्रिंट एफ के अंदर दूसरा प्रिंट एफ लिखा है। तो ये हम बिल्कुल लिख सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट एफ के अंदर ये मैंने प्रिंट एफ चलाया, जिस पे मैंने रखा है पीएस क्लासेस फॉर सीएसई, और इस प्रिंट एफ ये दूसरे प्रिंट एफ के अंदर लिखा है। तो होगा क्या, तो सबसे पहले प्रिंट एफ के अंदर का प्रिंट एफ चलेगा, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होता है, तो सबसे पहले ये प्रिंट एफ चलेगा आपका, है ना, ये चलेगा आपका। तो क्या होगा, जैसे ये चलेगा आपका, तो इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, पीएस क्लासेस फॉर सीएसई, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रिंट एफ का काम ही होता है कि आउटपुट स्क्रीन पर जो कुछ भी डबल कोट के अंदर लिखा है वो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे। तो पीएस क्लासेस फॉर सीएसई प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये अपनी जगह पर कुछ छोड़ के जाएगा। क्या छोड़ के जाएगा, किसने कितने कैरेक्टर प्रिंट किए आउटपुट स्क्रीन पर, तो कितने करें, 1 2, और स्पेस को भी एक काउंट करेंगे, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, एक स्पेस तो 11, ठीक है, 12 13 14, देन 15 16 17 18, तो टोटल 18 कैरेक्टर प्रिंट करें। इसका मतलब ये प्रिंट है पीएस क्लासेस फॉर सीएसई प्रिंट करने के बाद अपनी जगह पर 18 छोड़ के जाएगा। ठीक है, और वो 18 इस परसेंट डी की हेल्प से डिस्प्ले हो जाएगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, पीएस क्लासेस फॉर सीएसई 18, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए प्रिंट एफ को मैं एक इफ के अंदर, आप प्रिंट एफ को कहीं भी यूज कर सकते हो जहां पर आपको नंबर की रिक्वायरमेंट है। क्यों, क्योंकि प्रिंट एफ अपनी जगह पे कोई एक नंबर छोड़ के जाता है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इफ के अंदर लिखा है, तो क्या होगा, सबसे पहले अंदर आएंगे हम, प्रिंट एफ हेलो चलेगा, ये चलेगा, है ना, उसके बाद क्या होता है, इफ का ये बॉक्स तो चलता है, जैसे कंडीशन ट्रू होती तो अंदर जाते हैं, फॉल्स होती तो अंदर नहीं जाते हैं, ऐसे ही होता है ना हमारा प्रिंट एफ। हम इफ स्टेटमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें पता है कि इफ स्टेटमेंट में जब भी बॉक्स के अंदर की वैल्यू ट्रू होगी तो अंदर ये हम बॉक्स के अंदर इधर आ जाएंगे, इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएंगे, अगर ये फॉल्स होगी तो हम बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर आए हम, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन की जगह मैंने क्या लिखा है, प्रिंट एफ लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट एफ चलेगा, क्या होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा और स्पेस, और जैसे ही प्रिंट एफ चलेगा तो वो अपनी जगह पे क्या छोड़ के जाएगा, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ने प्रिंट कराए, तो कितने कराए, 1 2 3 4 5, और एक स्पेस है तो 6, इसका मतलब ये अपनी जगह क्या छोड़ के जाएगा, 6। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे कि हम जब भी कोई नॉन जीरो वैल्यू आती है तो उसको हम ट्रू मानते हैं, तो इसकी जगह पे 6 आएगा, और 6 कैसी है, एक नॉन जीरो वैल्यू है, इसका मतलब इफ जो है इसे ट्रू समझेगा तो अंदर आ जाएंगे, और प्रिंट एफ ये हाई भी प्रिंट कर देगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हेलो हाय। तो इस तरीके से हमारा एक काम करेगा, देखते हैं कोड करके तो आपको अच्छे समझ आएगा। सबसे पहले मैं जीआरजेट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले पीएस पहला वाला कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक प्रिंट एफ के अंदर दूसरा प्रिंट एफ चलाने वाला हूँ। ठीक है, तो कॉमा करके मैं यहाँ पे एक और प्रिंट एफ लिख देता हूँ, प्रिंट एफ, और जिसके अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, पीएस क्लासेस फॉर सीएसई, पीएस क्लासेस फॉर सीएसई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोड को चला रहा हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, कंट्रोल क्यू से बाहर आ गया। रन करने के लिए क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले कंपाइल करता हूँ, हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर रन करता हूँ, तो देखो जैसे मैंने रन किया तो आउटपुट क्या आ गया हमारा, पीएस क्लासेस फॉर सीएसई 18, और यही हमारा आउटपुट पहले था। ठीक है, अब दूसरा वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं रन करा के, वो कैसे चल रहा है। ठीक है, तो इफ वाला है ना, तो ये मैंने ओपन किया है। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ सारा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था मैंने हेलो स्पेस डबल कोट क्लोज, ये हमने लिखा था प्रिंट एफ, ये किसके अंदर लिखा था हमने, इफ स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको इफ के अंदर लिख देता हूँ, इफ के अंदर। ठीक है, ये देखिए इफ के अंदर मैंने लिख दिया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, सपोज मैं यहाँ पे दो चीजें लिख देता हूँ, एक मैं लिख देता हूँ क्या, प्रिंट प्रिंट एफ होता है, सॉरी प्रिंट एफ, और मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारा क्या था, हाय था, है ना, हाय सिलेक्शन फॉर न्यू लाइन। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, और एक और यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसके बाद क्या चलेगा, तो इसके बाद यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ मैं, प्रिंट एफ,
एंड, मैं लिख देता हूँ एंड, मतलब मेरा प्रोग्राम जो है यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। तो मैंने इतनी चीजें लिख दी। अब मैं उस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, तो जैसे आउटपुट क्या आएगा, हेलो, उस वक्त कंडीशन ट्रू मानेगा तो हाई, और देन एंड तो हर बार आएगा क्योंकि एंड इफ के बाहर लिखा है। कंट्रोल क्यू से मैं बाहर आता हूँ, ठीक है, कोड को रन कराता हूँ, कंपाइल किया सबसे पहले, कोई रन नहीं है, रन कराया तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, हेलो हाय और एंड। अब इसी में अगर दोस्तों मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं इसमें से ये हेलो हटा, ये जो है हेलो हटा दूं, तो अब ये अपनी जगह क्या प्रिंट करेगा, देखो इस ये प्रिंट एफ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ये वाला प्रिंट एफ बिल्कुल चलेगा, लेकिन ये कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट करेगा, तो कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट नहीं करेगा, मतलब जीरो। तो इस के अंदर क्या छोड़ेगा, ये जीरो, जीरो मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो ये वाला हाई नहीं चलेगा, सिर्फ क्या चलेगा, एंड चलेगा। देखिए कैसे, मैं इसको पहले कंट्रोल क्यू से बाहर आ जाता हूँ, फिर मैंने कोड को कंपाइल किया, तो ये वार्निंग दे रहा है कि आपने इफ के अंदर कुछ लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उसे हम इग्नोर करते हैं। और फिर मैंने क्या किया, रन कराया, तो देखिए आउटपुट क्या आया, सिर्फ और सिर्फ एंड। क्यों, क्योंकि जब उसने कुछ प्रिंट कराया ही नहीं, प्रिंट इफ, इफ वाले प्रिंट ने, इसका मतलब उसने अपनी जगह क्या छोड़ा होगा, जीरो कैरेक्टर। और इफ में जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या हुआ होगा, आपका जो है ये वाला ना चल के बाहर आ गया। तो इस तरीके से जो हमारा प्रिंट एफ काम करता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि प्रिंट एफ कैसे अपनी जगह क्या रिटर्न करता है और कैसे रिटर्न करता है, और हम प्रिंट एफ का किस तरीके से अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है स्कैन एफ। अब स्कैन एफ भी हमारा बहुत कुछ वैसे प्रिंट एफ जैसा भी जैसा है। अब इसका सिंटेक्स ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्कैन एफ किस पर्पज के लिए काम करता है। स्पेसिफिक थिंग्स क्या है, ये इंट, तो ये इंट कैसे काम करता है। तो अगर जो इंट लिखा है, तो वही चीज मैंने बोला था कि स्कैन एफ किसी भी फंक्शन के आगे अगर मैंने इंट लिख दिया, इसका मतलब उस वो फंक्शन अपनी जगह एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, अपनी जगह एक इंटीजर वैल्यू को छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो ये स्कैन एफ अपनी जगह कौन सी वैल्यू छोड़ के जाता है, प्रिंट एफ क्या छोड़ के जाता था, उसने कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराए। स्कैन एफ क्या करता है, तो स्कैन एफ करता है कि उसने कितनी वैल्यू सक्सेसफुली रीड करी फ्रॉम दी कंसोल या फ्रॉम दी यूजर। जब यूजर कोई वैल्यू इंटर कर रहा है, तो उनमें से उसने जितनी वैल्यू इंटर करी, वो कितनी भी इंटर करे यूजर, पर हमारे स्कैन एफ ने कितनी वैल्यू सक्सेसफुली रिसीव करी, वो उतनी वैल्यू को अकाउंट जो है स्कैन एफ अपनी जगह पर छोड़ के जाएगा। देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्कैन एफ मैंने लगाया यहाँ पे, यहाँ पे सपोज ये स्कैन एफ क्या करेगा, यूजर से दो वैल्यू मांगेगा, एक ए में डालेगा एक बी में डालेगा। मान चलो यूजर ने क्या डाल दिया, 12 डाल दिया, 15 डाल दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ए में 12 जाएगा और बी में क्या चला जाएगा, 15। इसका मतलब इस स्कैन एफ ने यूजर से सक्सेसफुली दो वैल्यू रिसीव करी, एक 12 और एक 15। तो आई के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। मैं इसको चलाऊंगा तो आंसर क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक और स्कैन एफ लिखा है। देखिए यहाँ पर मैंने तीन फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखे हैं और तीन वेरिएबल है मेरे पास। अब यहाँ पर यूजर ने एंटर किया 12, तो 12 क्या है, एज ए इंटीजर वैल्यू है, तो पहले एस वन में जाएगा, फिर 2.5 तो एस टू में जाएगा, फिर पी तो सपोज वो एस थ्री में चला गया, पी इज द कैरेक्टर। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पर स्कैन एफ ने तीन सक्सेसफुली वैल्यू रिसीव करी है यूजर से, इसका मतलब आई के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या होगा, मैंने क्या किया, मैंने एक परसेंट डी, परसेंट एफ और परसेंट सी की हेल्प से तीन वेरिएबल रिसीव करे हैं, तीन वैल्यू रिसीव करी है। अब यूजर ने सपोज मिस्टेक कर दी, उसने पहली इंटीजर वैल्यू दे दी, परसेंट डी था, कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर वैल्यू आएगी। उसके बाद उसने पी दे दिया, पी क्या है, कैरेक्टर है, जबकि यहाँ क्या रिसीव करने वाला था, ये परसेंट एफ, ये फ्लोट वैल्यू इसे चाहिए थी, पर उसने क्या दे दिया, उसने कैरेक्टर दे दिया, तो ये जो है वैल्यू को रिसीव नहीं करेगा। ऐसे ही परसेंट सी कैरेक्टर चाहता था, पर मैंने 2.5 मैंने क्या दे दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर गलती से फ्लोट वैल्यू दे दी, तो इसका मतलब ये भी कुछ रिसीव नहीं करेगा। तो यहाँ पर स्कैन एफ ने सक्सेसफुली, यूजर ने तो तीन वैल्यू दी, पर यू स्कैन एफ ने सक्सेसफुली कितनी वैल्यू रिसीव करी, सिर्फ एक, वो भी कौन सी, परसेंट डी की हेल्प से। तो इसका तो आई के अंदर क्या जाएगा, कितनी उसने सक्सेसफुली रिसीव करी, वो कितनी करी, सिर्फ एक ही वैल्यू करी, इसका तो आई के अंदर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। देखते हैं कैसे, तो मैं इसको कोड करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैं फाइल खोल लेता हूँ, हमने अभी जो करा था, ठीक है, यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ से इसको, इतने कोड को हम हटा देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्कैन एफ की वैल्यू, तो मैं सबसे पहले करता हूँ आई, पहले आई को डिक्लेयर कर देता हूँ इंट, आई हमारा क्या एक इंटीजर टाइप है, फिर मैं लग दिया आई इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्कैन एफ की हेल्प से वैल्यू ले रहा हूँ, है ना, मैंने स्कैन एफ, ठीक है, परसेंट डी, ठीक है, सपोज दो वैल्यू ले रहा हूँ, परसेंट डी, ठीक है, कॉमा एड्रेस ऑफ ए, कॉमा एड्रेस ऑफ बी,
तो इन दोनों के अंदर वैल्यूज रहूँ तो पहले इन दोनों को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है? डिक्लेयर कर देते हैं, तो कॉमा ए कॉमा बी। अब देखते हैं कि आई की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं आई की वैल्यू यहाँ डिस्प्ले करा देता हूँ, ठीक है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, वैल्यू ऑफ आई इज परसेंट डी, ठीक है? मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉमा आई, आई की वैल्यू मैंने डिस्प्ले करा दी कि आई में क्या गया, ठीक है? देखते हैं, कंट्रोल क्यू किया मैंने, बाहर आ गया। मैं सबसे इसको क्लियर करके स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अब मैंने इस कोड को कंपाइल किया, अगर कोई एरर नहीं होगी तो कंपाइल हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसने वार्निंग दी है, क्यों? ओ सॉरी, यहाँ पर परसेंट फाइव, परसेंट डी की जगह 5D लिख गया है, ठीक है? तो मैं इसको वापस से ठीक कर देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे गया और ये परसेंट डी 5D को मैं क्या कर देता हूँ, परसेंट डी कर देता हूँ, ठीक है? टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है? अब मैं इसको कर रहा हूँ कंपाइल, ये प्रॉपर कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे ही रन करता हूँ तो ये मुझसे आउटपुट स्क्रीन पर वैल्यू मांग रहा है। मैं दो वैल्यू दूंगा, एक 12D मैंने, एक 34D, पर आई में क्या गया, आई में क्या गया, 2 गया। क्यों? क्योंकि इसने दो वैल्यू जो है सक्सेसफुली रिसीव करी हमारे स्कैनएफ ने, इसलिए आई में कितना गया, 2 गया। तो स्कैनएफ जितनी सक्सेसफुली वैल्यू रिसीव करेगा उतनी ही अपनी जगह पे वैल्यू रिटर्न करेगा, और जितनी वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमारे आई में स्टोर हो जाएंगे। तो आई ने क्या करा, 2 करा। अब मान चलो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं लिखता हूँ, सपोज मैंने एक वेरिएबल नहीं लिखा तो क्या होगा, तो भी आप देखिए परसेंट डी क्या करता है, परसेंट डी हेल्प करता है यूजर से वैल्यू लेने के लिए, और वो वैल्यू लेके किस में डालता है, वेरिएबल में डालता है। तो रिसीव तो परसेंट डी से कर लेगा, वो रिस्टोर नहीं कर पाएगा, तो रिसीव तो सक्सेसफुली हो गई ना, और अगर रिसीव सक्सेसफुली हो गई है तो वो काउंट आ जाएगा। कैसे देखिए, ऑफकोर्स मैं इसको बाहर आता हूँ, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, वार्निंग देगा कि आपके नंबर ऑफ जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल जो है मिसमैच है। कोई दिक्कत नहीं, हम वार्निंग को इग्नोर करते हैं और मैंने ये चलाया। अब ये वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने सपोज पहले दी 12, फिर से उसने होल्ड करा। देखो 12 दी मैंने, तो 12 किसमें गई होगी, पहले वेरिएबल में जो ए है, पर अभी भी होल्ड है। क्यों? क्योंकि दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर भी तो लिखा था। जब मैं इसमें वैल्यू दूंगा तो ये भी वैल्यू रिसीव करेगा वो, पर उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, लेकिन रिसीव तो करा ना सक्सेसफुली। तो आई में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिसीव्ड वैल्यू, और वो कितनी है, 2 है। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज क्लियर हो रही होंगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम को थोड़ा सा और इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है? तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफायर ले रहा हूँ। एक परसेंट डी ले लिया मैंने, एक परसेंट एफ ले लिया, और इसको परसेंट सी कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर वेरिएबल भी चेंज कर देता हूँ, एक फ्लोट कर देता हूँ, एक्स कर दिया मैंने, ठीक है? और एक कैर कर देता हूँ, जिसको मैंने क्या कर दिया, वाई कर दिया, ठीक है? ये वेरिएबल बना दी मैंने, ठीक है? तो परसेंट डी की हेल्प से तो मैं वेरिएबल ए में वैल्यू रिसीव करूंगा, क्योंकि वो इंटीजर है। फिर परसेंट एफ से मैं किस में करूंगा, एक्स में करूंगा, क्योंकि वो फ्लोट है। और परसेंट सी से मैं किस में करूंगा, वाई में करूंगा, क्योंकि वो हमारा कैरेक्टर है, ठीक है? तो ये मैंने इसको, सॉरी, इसको मैंने वाई में ले लिया। तो इस तरीके से जो, ओ कॉमा लगना था, तो इस तरीके से मैंने तीनों वैल्यू रिसीव कर ली। अब आई की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखना, जब सक्सेसफुली रिसीव करेगा वैल्यू तो आई की वैल्यू क्या होगी, जितनी उसने रिसीव करी है, 1 2 3। जब सक्सेसफुली नहीं करेगा तो जितनी करेगा उतनी आई की वैल्यू होगी, ठीक है? करते हैं, देखिए कंट्रोल एस किया मैंने, कंट्रोल क्यू करके बाहर आ रहा हूं मैं, कंपाइल करते हैं कोड को। तो कोड को कंपाइल किया मैंने, कोई एरर नहीं है, कोड को मैंने क्या किया, रन किया। जैसे ही रन किया तो उसने फर्स्ट वैल्यू मांगी मैंने सपोज 12 दे दी, सेकंड उसने मांगी मैंने 4.5 दे दी, थर्ड मांगी उसने सपोज मैंने क्या कर दिया, पी दे दिया। तो तीनों वैल्यू उसने रिसीव कर ली, तो आउटपुट क्या दे दिया, उसने 3 दे दिया, क्योंकि उसने 3 वैल्यू रिसीव कर ली। नेक्स्ट टाइम पर मैं आउटपुट चेंज कर देता हूँ, सपोज मैंने क्या किया, इस बार मैंने आउटपुट चेंज कर दिया, मैंने पहले क्या दिया, 12 दे दिया, उसके बाद मैंने पी दे दिया, जबकि उसे क्या चाहिए था, फ्लोट वैल्यू चाहिए थी। तो वो वैल्यू रिसीव नहीं करेगा, वो बाहर आ जाएगा। उसने क्या बोला कि उसने सिर्फ कितनी वैल्यू रिसीव करी, सिर्फ एक ही वैल्यू रिसीव करी, वो कौन सी करी थी, पहली वाली। क्यों? क्योंकि पहली हमने सही दी थी, मुझे इंटीजर चाहिए थी और मैंने इंटीजर ही दी थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि स्कैनएफ जो है वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा जितनी वैल्यू रिसीव करेगा यूजर से उतनी उनका काउंट जो है अपनी प्लेस पर छोड़कर जाता है, और उसे हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, और उसे हम फिर यूज भी कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में कहीं भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि जब भी हम प्रिंट एफ चलाएंगे तो प्रिंट एफ जब भी चलेगा तो वो अपनी जगह पर क्या छोड़ के जाएगा कि उसने टोटल नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर प्रिंट करे आउटपुट स्क्रीन पर, जबकि स्कैनएफ क्या करेगा, स्कैनएफ उसका अपोजिट होगा। स्कैनएफ अपनी जगह पर क्या छोड़ के जाएगा कि उसने टोटल नंबर ऑफ कितनी वैल्यू रिसीव करी है आपकी यूजर से। तो ये दोनों हमारे स्कैनएफ और प्रिंट एफ इस तरीके से काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको चीजें क्लियर हुई हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए,
लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन बन गया उसे भी दबाइए, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।